Happy birthday to you. Happy birthday to you. एक कटोरी और ला लो. This is a पालक पनीर and this is करेला. This is a मटर पनीर. This is a रहता हुआ पनीर, रहता और टमाटर. हाँ क्या बताओ कैसा बना है होटल वाला बना है कि बना? पापा ने तो रोटी देख के कह रहे होटल वाली है. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो आज तारीख है 27 और दिन है बुधवार. तो आज का जो दिन है ना, बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे. तो आज मैं थोड़ा आप लोग के साथ शेयर करूँगी, अच्छा अच्छा खाना बनाऊँगी, बढ़िया बढ़िया वो सब आप लोग के साथ शेयर करूँगी. और अभी बस जो है आटा ख़त्म हो गया था तो हस्बैंड लेके आए हैं आटा, तो बस वही मैं कर रही हूँ आटा. और उसके बाद बनाएंगे हम लोग पालक पनीर. तो मम्मी खेत से पालक लेके आई हैं अभी ताज़ी ताज़ी एकदम फ्रेश. तो इसको हम लोग साफ़ कर ले रहे हैं. यहाँ पे हम लोग पत्ती पत्ती इसमें से निकालते हैं, एक एक करके झाड़ झाड़ के रखते हैं ताकि उसमें कोई कीड़ा वगैरह ना हो और ना ही कोई गंदा पालक रह जाए. एक एक पत्ती हम लोग इस तरह से निकालते हैं. तो मैंने पुन्नी को बोला तुम साफ करो, मैं आ रही हूँ. तो एक एक पत्ती पुन्नी निकाल ली और मैं भगोने में अभी इसको सब रखूँगी निकाल निकाल के एक एक पत्ती, और उसके बाद इसको साफ़ करूँगी, धुलूँगी अच्छे से. तो यहाँ पे पालक को ना टाइम लग जाता है पालक साफ़ करने में, क्योंकि एक एक पत्ती बीनो तो काफ़ी टाइम लग जाता है. तो बस इसी तरह से साफ़ करके, और जब तक मैं अच्छे से बीन ना लूँ ना तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है. ऐसा लगता है खुद भी खाने की इच्छा नहीं होती. तो मैं बहुत अच्छे से बीनती हूँ और कई बार धुलती हूँ उसको. कम से कम 2-3 बार धुल ना लूँ जब तक साफ़ पानी ना आने लगे तब तक मैं उसको धुलती रहती हूँ. तो बस मैंने 2-3 बार अच्छे से धुल लिया है. उसके बाद यहाँ पर मैंने करेले भी बॉयल होने रखे हैं, क्योंकि मैं साथ के साथ करेले भी बना रही हूँ. मम्मी बोली करेले भी बना लूँ, तो करेले बना रही हूँ. और अभी मैंने यहाँ पे एक तरफ करेले रखे हैं और एक तरफ मैंने पालक चढ़ा दी है बॉयल होने के लिए. जब पालक बॉयल हो जाएगी तो मैं खाना बनाना जो है स्टार्ट कर दूँगी. और अभी इसको भी लॉट पॉट कर दिया है मैंने करेलों को. तो करेले भी बॉयल हो गए हैं, पालक भी बॉयल हो गई. तो पालक को मैं इसको पीस लेती हूँ. पहले मैंने पालक गर्म पानी से निकाल के ठंडे पानी में डाली और उसके बाद इसको निकाल के निचोड़ लिया और अब पीस लिया है. और हरी मिर्ची भी मैंने 4-5 डाल दी इसमें. तो करेले भी इसमें लौट दे रही हूँ, पानी निचोड़ जाएगा क्योंकि मुझे करेले को ना फ्राई करना है. और यहाँ मैंने मलाई में से मक्खन निकाला था, तो जो मक्खन है वो भी मैं निकाल रही हूँ. साथ के साथ इधर प्याज काट ले रही हूँ क्योंकि मैं करेले बनाने जा रही हूँ. तो उसके लिए पहले मैं करेले को फ्राई कर लूँगी अच्छे से. और बिना फ्राई करे हुए मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, तो बस फ्राई कर लिया. उसके बाद यहाँ पे जो प्याज लहसुन है वो मैंने भून लिया. साइड में दूसरी कढ़ाई रखी, उसमें जीरा तेज़पत्ता डाल के प्याज हरी मिर्च लहसुन चॉप किया हुआ वो ऐड कर दिया है. उसको भून लूँगी, बहुत इधर धीरे धीरे भुनेगा. उधर मैं देख लेती हूँ सब्जी. उधर मैंने करेले जो भुने हुए थे वो डाल दिए प्याज में. अब उसमें डाल देती हूँ मसाला, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च है, थोड़ा सा काला वो है गरम मसाला है. तो जो मसाले डेली सब्जी में पड़ते हैं बस वही मैंने मसाले जो है वो डाल दिए. और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको रख दूँगी ढक के पकने के लिए. तो इधर जब पकेगा तो इधर हम इसको देख लेते हैं. तभी इसमें डाल देते हैं टमाटर. तो मैं यहाँ पे टमाटर थोड़े से रोक दिए हैं करेलों के लिए, वो डालूँगी बाद में. अब यहाँ नमक ऐड कर दिया है मैंने. उसके बाद यहाँ पे धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें जो है वो ऐड कर दूँगी. थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च ऐड करा है. तो इनको ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करूँगी और उसके बाद थोड़ा सा पानी दे रही हूँ ताकि मसाले जले ना और अच्छे से पक जाए. अभी मसालों ने जो है तेल छोड़ दिया है. तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ पालक. और पालक को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी. मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ भुने हुए पनीर. तो मैंने पनीर को हल्का हल्का भून लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं भुना, बहुत हल्का भुना है. तो इधर देख लेते हैं करेले. तो करेले हमारे पक चुके हैं. अब इसमें डाल दिए टमाटर और मैं डालूँगी थोड़ी सी चीनी और आमचूर पाउडर. तो ये सब चीज़ें मैं लास्ट में इसलिए डाल रही हूँ, अगर शुरू में डाल देती तो करेले अच्छे से नहीं पकते. तो करेले बहुत अच्छे से पक गए हैं, तो मैं ये सारी चीज़ें डाल रही हूँ जो लास्ट में डालने वाली. तो 5 मिनट इसको और पका लूँगी, उसके बाद मैं इसको गैस ऑफ कर दूँगी. इधर पालक पनीर भी बन गया, तो खाना हमारा जो है वो रेडी हो गया. यहाँ पे देखिए मैंने करेले बना लिए हैं और करेले के साथ बनाया है पालक पनीर. तो यम्मी सा हमारा पालक पनीर बन के रेडी हो गया है. तो इसको अभी मैं डेकोरेशन करूँगी, मतलब सजा के अपना अच्छे से खाना लगाऊँगी. यहाँ पर मटर पनीर भी बना लिया, रायता भी बना लिया है
और साथ के साथ मैंने बना लिया है पुलाव। अब यहाँ नान बनाऊंगी, मैंने आटा लगा के रख दिया है, इधर बन रहे हैं जबे, तो चलिए नान भी बना लेते हैं फटाफट। नान बना के मैं आधे नान बना के जो है मैं कैस्ट्रोल में लगा दे रही हूँ घी लगा के, और गर्म रहेंगे, बाकी मैं बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पर जबे भी बन रहे हैं और इधर देखिए टीका मम्मी कर रही हैं, तो बस केक कट जाए उसके बाद जो है मैं खाना लगा दूँगी। तो बस यहाँ मम्मी पापा आ गए, मम्मी गिफ्ट लाई हैं मम्मी पापा दोनों, और बस केक कटिंग हो रही है अभी। तो बस केक कटिंग हो गई है, मम्मी पापा लाए थे इनके लिए गिफ्ट, तो मैं मम्मी से बोल रही थी खाने के टाइम पे कि क्या बात मम्मी, उनके लिए गिफ्ट और मेरे लिए गिफ्ट नहीं। तो मम्मी पापा कह रहे हैं वो तो वैसे भी जा रहे हैं, अब तुम तो यहीं रहोगे, तो क्योंकि इनका ट्रांसफ़र हो गया ना यहाँ से पीलीभीत से, अब ये जा रहे हैं दूसरे शहर में 5-6 सालों के लिए, अब वहीं हैं, जब छुट्टी मिलेगी तभी आया करेंगे। तो बस इसलिए हमने इस बार इनका बर्थडे बना लिया अच्छे से, और वैसे तो ये बनाते ही नहीं है, हम लोग ने आपकी बार फोर्स किया तो बना लिया, तो इनने केक काटा, वरना काटते ही नहीं है। अभी केक काटने के बाद हमने खाना लगा दिया है, और देखिए इस तरह से मैंने डेकोरेट किया है खाना, कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ पे देखिए नान बनाए हैं, जबे बनाए हैं, रायता, करेले, मटर पनीर, पालक पनीर, पुलाव, सलाद, तो सारी चीज़ें जो हैं मैंने बना के लगा दी हैं सामने। अब ये लोग खा रहे हैं और मैं अभी नान बना के और रख दूँगी। तो सारा खाना पीना खाने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने किचन भी अपनी जो है रात में ही क्लीन कर लिए, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं खाना बनाने के बाद, तो बर्तन भी मैंने सब रात में ही खाली करके साफ़ कर लिए। अब रह गया दूध, तो दूध मैं अभी बॉयल कर रही हूँ, अभी रात को 11 बज रहे हैं, और साथ के साथ जो पालक पनीर इतना बच गया है तो इसको भी मैं गर्म करके रख दूँगी अच्छे से, और इसको मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी क्योंकि मैं फ्रिज में सब्ज़ी रखती हूँ तो अजीब सी मुझे स्मेल आती है, इसलिए इसको गर्म करके रख दे रही हूँ। आज की वीडियो हमारी यहीं तक की है, उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।